नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिप। दिल्ली की चमक धमक और शोर के बीच देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली आवाजें अक्सर दब जाया करती हैं। एक ऐसी ही आवाज पटियाला के पंजाबी यूनिवर्सिटी से आ रही है, जहां पर शिक्षक, कर्मचारी और स्टूडेंट पिछले एक महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए ग्रांट मांग सके। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी पर 150 करोड़ का जो कर्जा है उसे भी माफ करा सके। स्टूडेंट्स का आरोप ये है कि पंजाब सरकार ने पिछले 30 सालों के दौरान लगातार ग्रांट्स की कटौती की, जिसके कारण यूनिवर्सिटी को ऐसे कंडीशन में आना पड़ा कि वहां पे उसे बैंकों से कर्जा मांगना पड़ा, ताकि सैलरीज और पेंशन दी जा सके। यहां पर आए हुए कुछ स्टूडेंट्स और टीचर से हमने बात की है, सुनिए। अगर सरकार ने लोगों को शिक्षा भी नहीं हासिल करवानी है और जिस आदमी का बिल्कुल साधन नहीं है उसको मुफ्त शिक्षा नहीं हासिल करवानी है, तो सरकार है किस काम के लिए? सरकार ठेकेदारों को पुलों के ठेके देने के लिए है केवल, या सरकार जो है मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए है, या सरकार जो हमारे छोटे छोटे भी अफसर हैं या उनके उनको जो है 10-10 उनके साथ जो है सुरक्षा कर्मी लगाकर और उनके परिवारों को जो है सरकारी खर्चे पे जो वो करवाने के लिए सरकार, फिर सरकार ने करना क्या है? सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जो 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे शिक्षा है और सेहत है, ये चीज़ें हैं रोज़गार का, कम से कम जो उसकी जीवन निर्वाह करने के लिए कम से कम रोज़गार है, ऐसा कुछ व्यवस्था हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार ने कोई अपनी जेब से तो देना नहीं है। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो है बेचारे गरीब आदमी हैं, उनकी कोई संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है, पर वो हर तीसरे दिन बयान देती है, हमने उस प्रदेश को हमने 1000 करोड़ दे दिया, उस वर्ग को हमने 1,00,000 करोड़ दे दिया, कहाँ से आता है वो? पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला कुछ समय तो वित्तीय संकट भी चल रही है, तो वित्तीय संकट का वड्डा कारण यह है कि असी जिहड़ियां न्यू लिबरल पॉलिसीज आई हैं इस देश च, उन्हां मुताबक अपनियां फीसां नहीं वधाईयां, तो असी पब्लिक की इस खेत्र की सर्विस उस तरीके ना ही करते रहे जिस तरह सानू करनी चाहिए सी। नतीजा ये कि अज साडा जे साल का सैलरी बिल 468 करोड़ है नवे ग्रेडा तो बाद, मतलब कि एक महीने का 39 करोड़ साडा सैलरी बिल है। 468 करोड़ विच जे लगभग 100 करोड़ होर जोड़िए बिजली पानी होर खर्चे, तो साडा 650 करोड़ का लगभग बजट है। 650 करोड़ विचों 200 करोड़ यूनिवर्सिटी अपने सोमिया तो कमाती है, भावें असं थोड़ी भी फीस लेने हैं पर उस सारी फीस के एफिलिएशन तो सानू 200 करोड़ के रुपए के लगभग राशि मिलती है। तो असी सरकार कोलों, पंजाब सरकार कोलों इस साल 360 करोड़ की सालाना ग्रांट मंगी सी, ता कि असी तनखावां दे सकीए ते यूनिवर्सिटी नू चला सकीए, असी कोई होर ग्रांट नहीं सी मंगी। इस ग्रांट तो बिना यूनिवर्सिटी नू चलाउणा असंभव है, इस गल दा सब नू पता सी ते पंजाब सरकार नू बड़ा खुल के दस्या गया सी। 164 करोड़ रुपये की ग्रांट जो पंजाब सरकार ने इस बजट सानू दित्ती है, ये पंजाबी यूनिवर्सिटी नाल एक भद्दा मजाक है। सीधी सी बात है, अब लोगों का दबाव बढ़ जाए, इसी सरकार के पास बहुत पैसे आ जाएंगे। पैसे कहाँ काम है? देखिए, आज जो सड़क 2 लेन की होती है, 2-4 साल के बाद वो 4-4, 6-6 लेन की हो रही है। कैसे हो रहा है? वो पैसे से हो रहा है ना, ऊपर से तो गिर नहीं रहा है सारा कुछ। पैसा बहुत पैदा हो रहा है भारत में, भारत उन देशों में जिसको मैं समझता हूँ, अगर देखा जाए कि जो भारत के मंत्री हैं, जो भारत की अफसरशाही है, जो भारत का ऊपर वाला सरकारी तंत्र है, जितना आनंद में वो रहता है, वो तो दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों के भी जो मंत्री और जो सरकारी तंत्र आनंद में नहीं रहता है। इसका मतलब हमारे पास पैसा ज़्यादा है। अब जाकर देखिए, वहाँ का तो प्रधानमंत्री जब मुक्त सेवा मुक्त हो जाता है तो झोला लेकर वो सब्जी मंडी में साधारण आदमी के साथ तो सब्जी खरीदता है। आपने देखा है भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसे घूमते हुए? वो जब साधारण सा MLA भी जब वो 5 साल के लिए पूरा हो जाता है, सारी जिंदगी और उसके परिवार के लिए, उसके लिए एक एक पूरा जत्था जो है साथ में सुरक्षा कर्मियों का रहता है, गाड़ियां रहती हैं, पेंशन रहती है, सब कुछ रहता है, तो भारत गरीब कहाँ है? भारत तो गरीब लोगों के लिए है। क्योंकि जहाँ पर पंजाबी यूनिवर्सिटी है जो इसके साथ ये पूरे मालवे को कवर करती है। मालवा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर गरीब मजदूर किसान लोग रहते हैं। ये पंजाबी यूनिवर्सिटी उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो बच्चे हैं जहाँ पर आके सस्ती एजुकेशन लेते हैं। अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी की फीसों की बात की जाए तो यहाँ पर फीसें, हॉस्टल की फीसें और MA BA की नॉर्मल फीसें हैं जो 14-15 हज़ार में यहाँ पर MA हो जाती है। तो हॉस्टल की अभी भी हमारे यहाँ पर 350 फीस है, एक जो नवे हॉस्टल हैं उनकी 800 फीस है। तो इसके अलावा पंजाब में और यूनिवर्सिटी देखी जाए तो वहाँ पर जैसे हज़ारों में फीसें हैं,
जहाँ पर स्टूडेंट नहीं जा सकता। तो हमारी यूनिवर्सिटी बहुत सस्ती है, जहाँ पर आम विद्यार्थी है, जो पंजाब का आम विद्यार्थी आके एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। तो यही हमारा मानना है, अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी को पंजाब सरकार फंडिंग नहीं करेगी तो जहाँ पर फीसों की बढ़ोतरी होगी, तो जो 600 करोड़ का पंजाबी यूनिवर्सिटी का बजट है तो वो विद्यार्थियों से ही वसूला जाएगा। फीसों में बढ़ोतरी करके वो विद्यार्थियों से इकट्ठा किया जाएगा, क्योंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोडक्शन तो है नहीं, जहाँ पर प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा कि प्रोडक्ट बेच दो उससे पैसे ले लो, आखिर में बढ़ेगी तो फीसें ही ना। तो हम ये नहीं चाहते, तो इसलिए हम लंबे समय से पंजाबी यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अभी हमारा ये मानना है कि मोर्चों के बगैर एक लंबी लड़ाई लड़ने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं, हमें लड़ना पड़ेगा। और पंजाबी यूनिवर्सिटी, पंजाब की हायर एजुकेशन सड़कों के पे आके ही बच सकती है। देखो भैया, हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हम इतनी हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें, इसीलिए ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली बार जब मेरी एडमिशन हुई तो वो फरीदकोट कॉलेज में हुई, जो कि प्राइवेट था, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर मैं नहीं एडमिशन ले पाई क्योंकि वहाँ फ़ीस ज़्यादा थी, तो इसलिए हम ये यूनिवर्सिटी में पढ़े। हमारे घर में 4 बहन भाई हैं, हम लोग, उनमें से मेरे परिवार की आमदनी है 2 किले जमीन है मेरे पिताजी के पास, अगर उसकी फीस ज़्यादा होती तो हमारे घर से एक आधा बच्चा ही पढ़ पाता। जैसे अभी भी हम 4 बहन भाई हैं, उनमें से सिर्फ मैं ही हूँ जो है यूनिवर्सिटी में आ पाया है। मेरा छोटा भाई है, उसने ग्रेजुएशन में अपनी स्टडी छोड़ दी, अब घर पे काम करता है वो। अगर हमारे पास इससे भी कम फीस होती अगर, तो वो भी पढ़ पाता, उसको भी ज़्यादा मौके मिलते। मेरी बहन है, वो एक हद तक ही पढ़ पाई, घर से बाहर आके यूनिवर्सिटी तक नहीं पढ़ पाई, यहाँ के जो मैस हैं इतना खर्चा नहीं उठा पाई। मेरे साथ के और दोस्त हैं, कितने को मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे लगता है, जैसे निजी अनुभव की है, मेरा भाई काम करता था, मेरे पिताजी काम करते थे, इसलिए मुझे ये मौका मिला यहाँ तक आने का, वो भी जितनी फीस ये है। अगर इससे फीस ज़्यादा होती तो मैं भी नहीं आ पाता, अगर इससे कम फीस होती तो 4 बहन भाई हम लोग यहाँ पर आ पाते। ये तो मेरे परिवार के मुकाबलतन अच्छी स्थिति है, जो मैं आसपास में जिनके साथ रहता हूँ उनके पास तो ये भी नहीं पहुँच पाई। मेरे गांव में ही देख लें, बहुत छोटा हिस्सा है जो हायर एजुकेशन तक पहुँच पा रहा है। 60-70% जो हमारे स्कूल में, हमारे गांव में सरकारी स्कूल है, वो ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहे, वो प्लस टू करके अपनी स्टडी बंद कर रहे हैं। हायर यूनिवर्सिटी तक पहुँचने का तो बहुत ही छोटा संख्या है, इसीलिए मुझे लगता है जैसे मेरा निजी अनुभव भी, जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं, जिनके साथ खेला, जिनके साथ यहाँ तक पहुँचा, जिनके साथ मैं ज़िंदगी जी है, उन्हें में से बड़ा हिस्सा तो ले ही नहीं पा रहे सिक्ख्या। इसमें सबसे पहले तो ये बात समझने वाली है कि आज जब हम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में बैठ कर ये बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो संघर्ष चल रहा है उसके दौरान, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब एक यूनिवर्सिटी बनती है तो वो अपने साथ अपना एक कल्चर डेवलप करती है। इसी तरह जब जे यूनिवर्सिटी भी बनी थी तो जे पंजाबी लैंग्वेज के नाम पे दुनिया की जो दूसरी यूनिवर्सिटी थी, और इसका जो बेसिक जो जो इसके काम की प्रायोरिटी थी वो पंजाबी लैंग्वेज को डेवलप करने की, और जो जहाँ का कल्चर है, जो जहाँ का फोकलोर है, उसको मतलब डेवलप करने की इसका जो प्रायोरिटी थी इसके काम की, तो यूनिवर्सिटी जे होती है, यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी ने जो किया वो अपने काम में बिल्कुल वो सफल हुई है। अब तक जहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल्स पैदा होते रहे हैं वो अपने काम को बाखूबी तरीके से निभाते रहे। सिर्फ पंजाबी यूनिवर्सिटी में ही क्राइसिस नहीं है हायर एजुकेशन का, ये कॉलेजेस में भी है, कोई टीचर नहीं है। 300 टीचर हैं, 1873 की सेंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट 300 टीचर हैं, 25 साल से कोई भर्ती नहीं हुआ। और आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी भोवीघाटे में है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भोवीघाटे में है ना, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का केस अलग है क्योंकि वहाँ सेंटर से फंडिंग आती है 300 करोड़ के करीब है ना, पंजाब गवर्नमेंट तो 40 करोड़ देती है, उसका अलग से केस है। लेकिन जो भी यूनिवर्सिटीज़ पंजाब गवर्नमेंट की ग्रांट से हैं वो सभी की सभी घाटे में ही हैं। और जो नई यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय में,
कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी, ओपन यूनिवर्सिटी बना दी, लॉ की यूनिवर्सिटी बना दी, दो इंजीनियरिंग कॉलेज थे जहाँ पे छः छः सात सात महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही थी, उसको स्टेट यूनिवर्सिटी बना दिया। तो बोधो यूनिवर्सिटी बनाने पे के नाम पे मजाक है।